नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एंग्लो में स्वागत करता हूँ। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था हाउ टू चेक अलॉटमेंट का, उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कमेंट्स किए, क्वेश्चन भी पूछे, उसके लिए थैंक यू। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखना है कि अभी अलॉटमेंट 12 बजे के बाद अगर आज लग गया, मतलब आपको सीट एक्सरसाइज कर सकते हो आप, तो उसके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसमें टोटल चार पॉइंट्स है कि चार पॉइंट में उसको वीडियो को मैं डिवाइड करने वाला हूँ। पहला है, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपका पहला ही ऑप्शन लगा है, कंसिडर करिए मैंने तीन ऑप्शन भरे थे, पहला मेरा गवर्नमेंट था और बाकी के दो प्राइवेट कॉलेज थे, और मेरा पहला नंबर गवर्नमेंट कॉलेज को लग गया है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और उसके बाद मुझे क्या करना है, ARC को जाके उसको सीट एक्सेप्ट करना है और रिस्पेक्टिव कॉलेज को जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है। अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑटोमेटिकली ये जो कैप राउंड है इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। ये पहला आपका ये था। उसके बाद जो सेकंड है, उसमें क्या है कि अगर मेरा फर्स्ट प्रिपरेशन नहीं लगा है, बाद में के जो दो प्राइवेट कॉलेजेस है वो लगे है, तो उसमें से मेरा थर्ड ऑप्शन लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे यही कॉलेज चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, सीट एक्सेप्ट करूंगा, ARC में जाऊंगा, उसका जो कुछ प्रोसीजर रहेगा वो करूंगा, और फिर जो मेरा रिस्पेक्टिव कॉलेज है, रिस्पेक्टिव कॉलेज को जाके मेरा एडमिशन का बाकी का प्रोसेस करूंगा। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके मेरा सीट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ या बाकी का प्रोसीजर नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, वो जो सीट है मेरा जो मुझे अलॉट हुआ था वो फ्रेश अलॉटमेंट के लिए जाएगा। और ये ऐसे जो कैंडिडेट है ये इम्पोर्टेंट है, जिसने सीट एक्सेप्ट किया है लेकिन कॉलेज को जाके रिपोर्ट नहीं किया है, या ARC में जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो प्रोसीजर करना है वो नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड एक्सेप्टेड द सीट बाय रिपोर्टिंग टू ARC बाय कंफर्मेशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस एज पर द मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल एलिजिबल। अभी ये क्या है कि ये भी केस वैसा ही है, उसको फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगा है, बाद का ऑप्शन लगा है, सेकंड थर्ड फोर्थ लगा है, तो उसने क्या करना है, सीट एक्सेप्ट करना है ARC में जाके, और जो प्रोसेस वो आके अथॉरिटी बताते हैं वैसे अगर प्रोसेस करता है वो बंदा, तो वो क्या करता है कि बेटरमेंट के ऑप्शन के लिए जाता है वहां पे। और उसके बाद है चौथा है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेशन और नॉट एक्सेप्टेड द सीट, अगर किसी बंदे को सीट फर्स्ट प्रेफरेंस से दूसरा सीट लगा है, मतलब सेकंड थर्ड नंबर का, और वो सीट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट जो राउंड रहेंगे उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा। ऐसा ही वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।